झारखंड में सहित गढ़वा में क्या बा? गढ़वा में विकास बा, मिथिलेश के बयार बा, जनता मन बनैले बा कि फिर सदन भेजे के बा, और ऐसे भेजे के बा कि 2.5 साल में जब इतना काम कीलन तो अगला 5 साल मौका मिली तो जो पाइपलाइन में योजना बा वो धरातल पर उतली तो गढ़वा और बदली। आने वाला भविष्य के निर्माण खातिर, अपन बाल बच्चा के अधिकार खातिर, आने वाले जनरेशन के जनरेशन निर्माण खातिर फिर मिथिलेश के जितावे लबा और विधानसभा में भेजे लबा। 24 का विधानसभा जीतने के बाद 25 के बाद जो तैयारी चलेगा उसमें क्या क्या होगा गढ़वा के लिए? गढ़वा में गढ़वा के चिनिया रोड में पुलिस लाइन से लेके तंडवा पुल तक 20 फीट का मिनी बाईपास बनाया जाएगा और उसी के नीचे नदी के किनारे किनारे ये बाईपास बनेगा और नदी में रिवर फ्रंट के रूप में डेवलप किया जाएगा। इसमें फूल पत्ती फवारा आपको लगे हुए मिलेंगे। गढ़वा दांडो नदी को सोन कनहर पाइपलाइन के माध्यम से लगातार 12 महीना इसमें आपको पानी मिलेगा। इसके साथ साथ गढ़वा का जो रेहला रोड में 4 लेन का काम आप देख रहे हैं, जब वो 4 लेन बनकर तैयार हो जाएगा तो मझिया मोड़ से रेहला गढ़वा रोड जाने वाले लोगों को मात्र 4 से 5 मिनट लगेगा। हमारा कृषि महाविद्यालय के कैंपस में 15 करोड़ की लागत से इंडोर स्टेडियम बनकर तैयार हो रहा है, जिसमें टेबल टेनिस, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल, स्विमिंग आदि की फैसिलिटी होगी। तो जो हमारा आने वाला जनरेशन है वहाँ पे अपनी तैयारी कर सकेगा और यहीं से लोग ओलंपिक में भाग लेंगे और हो सकता है कि गढ़वा का लड़का ओलंपिक में मेडल लाए। इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। कई तरह की योजनाएं पाइपलाइन में चल रही है, कई कॉलेज जो है निर्माणधीन है। जब गढ़वा उस समय पुस्तकालय है, 1000 की क्षमता का पुस्तकालय जो बन रहा है, बनकर तैयार हो जाएगा तो 2 साल के अंदर जितनी भी पाइपलाइन में योजना है जब वो गढ़वा के धरातल पर उतरेगी तो जो जनता कह रही है कि अभी बहुत विकास हुआ है, मुझे लगता है कि अभी उसका 1/3 मात्र विकास माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर कर पाए हैं। आधा विकास अभी पाइपलाइन में है और बाकी आगे का सोच जो है उसके बारे में अभी हम लोगों ने जनता को नहीं बताया है। हमारा विश्वास है कि जब हम काम कर ले, जनता अपनी आंखों से देखे और तब जनता यह निर्णय ले कि हाँ कौन बेहतर कर सकता है। गढ़वा को ट्रैफिक से निजात कब मिलेगा? गढ़वा को ट्रैफिक से निजात के लिए ही बाईपास का निर्माण कराया गया है और यहाँ ट्रैफिक के नियम के अनुसार भी कई चौक चौराहे पे रूट मैप तय किया गया है कि कौन किधर से आएगा और किधर से जाएगा। इसके साथ साथ जब आपका 4 लेन बन के तैयार हो जाएगा मझियाँ मोड़ से लेके रेहला गढ़वा रोड संख्या तक, उसके मझिया रंका मोड़ से लेकर खजूरी तक, यानी कि आप जो रंका मोड़ से कचहरी वाले रास्ते में जाते हैं, जब वो 4 लेन बनकर तैयार हो जाएगा तो अपने आप जब डबल लेन की सड़कें हो जाएंगी तो ट्रैफिक से निजात मिल जाएगा। जब आप यहाँ से जीत रहे हैं, झारखंड में आपकी सरकार बनेगी, 2024 से 2029 तक गढ़वा कैसा नजर आएगा? मुझे लगता है कि जो 2.5 सालों में माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी ने काम किया है उनको अगर और 5 साल मिल जाए तो अभी तो विकास पुस्तिका 30 पन्ना का है जिसमें पर्यटन, शिक्षा, संरचना, सड़कें आदि के बारे में उसमें बताया गया है। अगर लगातार वो 5 साल रह गए और हमें काम करने का मौका मिला तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि गढ़वा में कच्ची सड़क जो हम 1300 किलोमीटर बनाए हैं, अभी भी 1500 किलोमीटर सड़क बकाया है, कहीं भी आपको गढ़वा में कच्ची सड़क देखने को नहीं मिलेगा और गढ़वा की संरचना इतनी बदल जाएगी कि गढ़वा में कुछ घुसेगा तो इसको जमशेदपुर से तनिक भी कम नहीं आकेगा। 1947 से लेकर अभी तक जो है रिपोर्ट कार्ड कहीं भी शायद दर्ज नहीं किया गया, मेरे द्वारा ये काम किया गया। रिपोर्ट देने का क्या मतलब है लोगों का बीच में? ये गढ़वा रंका के विधायक जी आपको दिए, जो मंत्री जी जब जनता ने आशीर्वाद दिया था तो आशीर्वाद के दौरान विजय जुलूस में रंका मोड़ पर माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी ने कहा था कि जनता ने हमको कांटों से भरा ताज सौंपा है और उसके बाद उन्होंने कहा था कि इस जिम्मेदारी का निर्वहन करना मेरे लिए भी एक चैलेंज है। आज उन्होंने कोरोना काल के बावजूद भी, 6 महीना मुख्यमंत्री के जेल रहने के बावजूद भी लगातार यहाँ के जनमानस के लिए काम किया है। यहाँ तक कि गरीब बेटियों के शादी बीमा में, किसी गरीब परिवार के जरूरतमंद को बीमारी में गढ़वा से लेकर रांची रिम्स तक सहयोग, निजी अस्पताल में भी सहयोग, साथ में दाह संस्कार में भी उन्होंने 5 साल तक लगातार हर दिन पूरे विधानसभा में हमको लगता है सैकड़ों जगह हर दिन 150 लोगों का सहयोग होता था और उसके बाद इस तरह की जो विकास कार्यों किए हैं तो उन्होंने एक रिपोर्ट दिया जनता को कि आपने जो मुझे जवाबदेही दी थी, आपने मुझे जो सेवक चुना था, इस तरह से हम आपकी सेवा करते हुए जो जनता का एक एक रुपये है, चाहे वो सरकारी पैसा हो, चाहे वो विधायक निधि की राशि हो और यहाँ तक कि निजी कोष का भी किस तरह से इस्तेमाल किया है, वो जनता के बीच एक तरह से रिपोर्ट कार्ड उन्होंने सौंपा है कि जनता पढ़े और निर्णय ले कि उन्होंने जिसको जिम्मेदारी थी, जो जिम्मेदारी हमें दी थी उस पर हम कितना खरा उतर पाए।